जलियांवाला बाग। इतिहास गवाह है, यहीं 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों का वहशियाना कहर सैकड़ों निहत्थे लोगों पर टूटा था। इस खूनी मंजर को जवानी में कदम रख रहे उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था और सौगंध खाई थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। लंदन जाकर उसने अपनी सौगंध को पूरा किया। बदले में पाया फांसी का फंदा। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए यह खबर भारत से छुपा कर रखी गई। आजादी के कई वर्षों बाद जुलाई 1974 को उधम सिंह के अवशेष दिल्ली लाए गए। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पूरे राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से पंजाब लाते वक्त हजारों की तादाद में लोगों ने इस सिपाही के अंतिम दर्शन किए। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। ये है अमर शहीद उधम सिंह की याद में बना सुनाम उधम स्मारक। उधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में 26 दिसंबर 1899 में हुआ। उधम सिंह का पुराना घर यहीं इस भारत गौरव का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम नारायण कौर था। पिता का नाम था पहल सिंह। माँ बाप ने बच्चे का नाम रखा शेर सिंह। इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था साधु सिंह। कुछ वर्षों बाद ही दोनों के सर से मां का साया उठ गया। मुफलिसी ने दोनों बच्चों और पिता टहल सिंह को रोजगार की तलाश में गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपने बापू हालात उन्हें भी निगल गए। दोनों बच्चे अनाथ हो गए। सेंट्रल खालसा अनाथालय अमृतसर। बच्चों के पिता के दोस्त चंचल सिंह ने दोनों को यहां दाखिला दिलवा दिया। वर्ष था 1907। नित चढ़े सवाई गुर सिखा के मन थाम दी गुर सतगुर की। यही दोनों भाइयों को अमृत छकाया गया और नाम दिए गए उधम सिंह और मुकुंद सिंह। यहाँ के वातावरण ने ही उधम सिंह ने सारे संस्कारों का बीजारोपण किया। उसने आत्मसंयम और अनुशासन के तहत 5 का केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण के महत्व को समझा। पढ़ाई लिखाई, साइकिल मरम्मत, कारपेंटरी, दस्तकारी और चित्रकारी में उसका खूब मन लगता। इसी बीच बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अमृतसर में ही उधम सिंह ने किशोरावस्था में कदम रखा।
यहीं सिख गुरुओं की शिक्षाओं और बलिदानों को आत्मसात करके वो एक सच्चा इंसान बना। इस समय तक पहले विश्व युद्ध का डंका बज चुका था। तकरीबन 40,000 भारतीय सैनिक अंग्रेजों की कमान में इस युद्ध में भाग ले रहे थे, जिनमें ज्यादातर पंजाब के थे। भारतीय नेताओं का मानना था कि इसके एवज में उन्हें मिलेगा स्वराज्य का तोहफा, पर मिला रॉलेट एक्ट। न दाद न फरियाद, न दलील न वकील। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में विरोध की तैयारियां होने लगी। सर माइल्स इरविंग ने इसकी सूचना माइकल ओ ड्वायर को भेज दी, जो उस समय लाहौर में पंजाब के डिप्टी गवर्नर जनरल थे। यस, डिटेंशन डिपोर्टेशन फॉर किचलू एंड सत्यपाल टू धर्मशाला। यस यस माइल्स, मेरा आदेश है कि किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को धर्मशाला पहुंचा दो, उन्हें वहीं रोको। डर है कि कहीं गदर के आसार न बन जाएं, तुरंत कार्रवाई करो। गिरफ्तारी की खबर सुनकर स्थानीय जनता उनकी रिहाई के लिए सड़कों पर उतर आई। यकायक प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। पुलिस ने गोली चला दी। 30 लोग मारे गए, जिनमें एक महिला समेत 5 अंग्रेज भी शामिल थे। सरकारी दफ्तरों और बैंकों को तोड़ा फोड़ा जाने लगा। गांधी जी समेत सभी भारतीय नेताओं ने भी रॉलेट एक्ट को सिरे से नकार दिया। जगह जगह उसके विरोध में सभाएं होने लगी। सर माइकल ओ ड्वायर ने अमृतसर की बागडोर अत्यंत क्रोधी और निर्दयी अफसर जनरल रेनाल्ड डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी का त्योहार। हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। मकसद था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई की मांग करना। ठीक इसी समय उधम सिंह अपने साथियों के साथ लोगों को पानी पिला रहा था। जनरल डायर सेना की एक सशक्त टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। किसी चेतावनी के उसके हुक्म पर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बाढ़ 15 मिनट तक चली और हजारों लोग मारे गए। जनरल डायर ने अपने इस कुकृत्य को उचित ठहराते हुए दावा किया कि हिंदुस्तानियों को सबक सिखाना जरूरी था और ये बिना आतंक के नहीं हो सकता था। उधम सिंह की आत्मा कराह उठी। इस घटना ने उधम सिंह की जिंदगी के रुख को ही बदल दिया। सरोवर में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र किया और शहीदों के लिए प्रार्थना की, और यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे की।
ये वो दौर था जब भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर रखा था। उधम सिंह भी इन क्रांतिकारियों के महासंग्राम का योद्धा बनना चाहते थे, पर विडंबना देखिए। गैर लाइसेंसी शस्त्र रखने के जुर्म में 30 अगस्त 1927 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल की सजा ली। दम निकले इस देश की खातिर बस कितना अरमान है। और जिस वर्ष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, उसी वर्ष उधम सिंह की जेल से रिहाई हुई। 3 वर्ष तक उधम सिंह पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह कहते हैं, उधम सिंह शहीद भगत सिंह तो हमेशा प्रेरणा लेते रहे। उधम सिंह अपनी जेब में भगत सिंह की तस्वीर रखते थे, जो कि उनके गहरे दोस्ताने का प्रतीक था। सरदार उधम सिंह अंग्रेजी भाषा के मर्मज्ञ थे। किताबें पढ़कर ही उन्होंने रूस और अमरीकी क्रांति के बारे में जाना कि कैसे लोगों ने राजतंत्रों को उखाड़ फेंका था। कैलिफोर्निया के विदेशी भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के भी वे सदस्य थे। उन्होंने पासपोर्ट कैसे हासिल किया, ये भी मिस्ट्री है। ब्रिटिश पुलिस की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार उधम सिंह कश्मीर के रास्ते ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस होते हुए अंततः 1934 में लंदन पहुंचे। ये है शेफर्ड्स बुश का गुरुद्वारा। लंदन पहुंचने के बाद उधम सिंह सबसे पहले यहीं आए। गुरुद्वारे की अनुमति से अपने शुरुआती दिन उन्होंने यहीं गुजारे। तत्कालीन सेक्रेटरी शिव सिंह जोहल उधम सिंह के बहुत करीब थे। इनके सभी भारतीयों से अच्छे संबंध थे। उधम सिंह ने लंदन में कई जगहों पर काम किया, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी शामिल था। वो एक पंजाबी बांके नौजवान थे, जो किसी अंग्रेज से कम नजर नहीं आते थे। ब्रिटिश सरकार की नजरें हमेशा उन पर बनी रहीं। उधम सिंह ने एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदकर रिपेयर कर ली, जिससे उनके स्वच्छंद आवागमन की समस्या हल हो गई। उन्होंने केशों का भी त्याग कर दिया और पगड़ी पहनना भी बंद कर दी, लेकिन हाथ के कड़े और कृपाण को नहीं त्यागा। हाय, कम ऑन, शो मी अराउंड योर कंट्री। इस बदले हुए वेश में उधम सिंह ने अपने जीवन यापन के लिए कई तरह के रास्ते अपनाए। एक फिल्म में तो उन्होंने एक सह कलाकार के रूप में काम भी किया। वे कभी भी अपना राज किसी पर जाहिर नहीं करते थे और ना ही अपने मकसद के बारे में किसी को पता लगने देते थे। हथी अपने राजे नू हीर जगती। हीर का दर्द उन्हें मां भारती की आंखों में भी नजर आता था। जनरल डायर को जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी मानते हुए ब्रिटिश आर्मी से निष्कासित कर दिया गया। माइकल ओडवायर को डरबन भेज दिया गया, पर इसके बावजूद भारत के बारे में व्याख्यान देने के लिए वो अक्सर लंदन आया करते थे। हेलो How are you? कुछ अंग्रेज भी उनके अच्छे मित्र बन गए थे। I'm not a Britisher. Why don't we go somewhere else? Okay. Tell me something.
something more about yourself. What are you doing in London? You'll come to know very soon. कोई जान पहचान वाला उनसे पूछता कि लंदन में क्या कर रहे हो? वो टाल कर कहते, एक दिन मालूम हो जाएगा। सालों बाद उधम सिंह अपने एक पुराने मित्र से मिलने गए। पाजी मैं उधम। आओ जी, जी आया नू। सत्रीकाल पाजी। सत्रीकाल जी, बैठो। कहाँ रहे अब तक? कभी शिप में काम किया, कभी फैक्ट्री में, जहाँ भी जैसा भी काम मिला करता रहा। असली काम कब करोगे? बहुत जल्दी। खुश रहो, अपने काम को अंजाम दो। मैं ड्रिंक नहीं लेता। Have you done my work? Give my toy. I paid you for that. Give me. Quick, quick. लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ जिसमें माइकल ओडवायर भी थे। उधम सिंह को वर्षों से इसी दिन का इंतजार था। उन्होंने ठान लिया कि इस मौके को वो किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। उन्होंने वाहेगुरु से प्रार्थना की, हे वाहेगुरु, जब तक मैं अपना मिशन पूरा ना कर लूं, मुझ में कोई कमजोरी ना आने देना। सायंकाल 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। एक किताब में रिवॉल्वर छुपाकर उधम सिंह ने हॉल में प्रवेश किया। बैठक के समाप्त होते ही लोग उठ खड़े हुए। ओडवायर मंच की ओर बढ़ा। सर माइकल, सर माइकल ओडवायर को मारकर उधम सिंह ने अपनी सौगंध पूरी की। आम आदमी की नजर में उधम सिंह रातों रात महानायक बन गए। 6 जून 1940 से 31 जुलाई 1940 तक उन्हें पेंटोन विली जेल में रखा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। जेल में उन पर कई पाबंदियां लगा दी गईं। यहां तक कि शाकाहारी होने के बावजूद उन्हें मांस खाने पर मजबूर किया गया। उन्होंने भूख हड़ताल भी की। जेल से अपने एक मित्र को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा था, मुझे अपने किए पर अफसोस नहीं है, मैं देश का सिपाही हूं, मरने से नहीं डरता। जी चिट्ठियां बहुत लिखता रहा है, मेरे दी इजाजत नहीं, पर हुन इनी इजाजत मिली कि एक गुटका और नो जरूर पहुंचा दे जेल। अदालत में दलील देते हुए उधम सिंह ने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था को ललकारा। मिस्टर सिंह, आर यू गिल्टी? मैं हत्या का कसूरवार नहीं, मैंने माइकल ओडवायर को मारकर बतौर एक सैनिक अपने देश की बेइज्जती का बदला दिया है। अदालत ने प्रेस को आदेश दिया कि उधम सिंह के बयानों को न छापा जाए। इकतीस जुलाई 1940 को पेंटोन विली जेल में उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरी शादी मौत से होने वाली है, मेरे गुरु और मेरे दोस्त भगत सिंह को शहीद हुए 10 साल हो गए हैं, मरने के बाद मैं उन्हें वहीं मिलूंगा ऊपर, जहां वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। गुलाम भारत में क्रांति की एक और चिंगारी को बुझा दिया गया।
लेकिन आजाद भारत ने इस चिंगारी को सितारा बना दिया। उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद स्मारक भारत के तीन प्रमुख धर्मों हिंदुत्व, इस्लाम और सिखिज्म की एकता का समन्वय। सुनाम में उधम सिंह का घर अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि शहीद सब दे सांझे होंदे हन, कंबोज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वालों हर हीला कीता जा रहा है कि शहीद उधम सिंह दे सोच नूं घर घर पहुंचाया जावे। उधम सिंह कंबोजों की वीर जाति से संबद्ध थे। आज विश्व भर के कंबोज भारत माता के इस पुत्र पर गर्व करते हैं। 21 जुलाई शहीद उधम सिंह का आदमकद बुत जो कि काशी का बनया हुआ है सुनाम विखे लगाया गया है। उधम सिंह का गांव सुनाम आज हर देश प्रेमी का तीर्थ स्थल बन चुका है। में भारत सरकार द्वारा जारी उनके नाम का टिकट उनकी देशभक्ति पर मुहर लगाता है। इस तरह के समागम भारत के पिंड पिंड होने चाहिए ने। उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि हर वर्ष मनाई जाती है। ये हैं श्रृंगारा सिंह, जलियांवाला बाग के एकमात्र जीवित चश्मदीद गवाह। इनके पोते बलराज सिंह अपने दादा के बारे में बताते हुए कहते हैं, 1919 में गोली चली, इन्हां दे बाद गोली लगी। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बापू श्रृंगारा सिंह नूं सम्मानित किया। श्रृंगारा सिंह का भरा पूरा परिवार है। आज फिर बैसाखी है, कनक की फसल कटने को तैयार है। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने वालों का हुजूम है। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने जुल्म और सितम से टक्कर लेने के लिए खालसा का निर्माण किया था। जलते भी गए, कहते भी गए। आज ही के दिन जलियांवाला बाग में गुमनाम शहीदों के नाम पर शहीदी आज ही के दिन उधम सिंह ने देश प्रेम